हेलो फ्रेंड्स, आफ्टरनून। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैमरे में अलार्म कैसे सेट करते हैं। ठीक है, कोई भी सीवी प्लस का कैमरा हो तो आप अलार्म कैसे सेट करेंगे, या फिर अलार्म सेट करने के बाद उसमें जो हूटर है या फिर आप लाइट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो कैसे हम सेटिंग्स करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो मॉडल्स लिया है, ठीक है, ये आपका मॉडल्स है। ये मॉडल्स जो आप देख रहे हैं लास्ट में जितने भी इसमें जैसे VM लिखा हुआ है, तो जितना भी VMD मॉडल है, यानी V मतलब होता है ऑडियो, M मतलब होता है मेमोरी कार्ड, अगर D लगा हुआ रहेगा तो डैट मीन्स कि WDR कैमरे हैं। ठीक है, तो जितना भी ये लास्ट में ये देख रहे हैं आप डैश VM या VMD लिखा हुआ होगा तो उसमें आप इजीली VM में आप कर सकते हैं। उसकी एक पहचान क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, नॉर्मल IP कैमरे और VMD मॉडल में क्या ऑप्शन है। जैसे ये देखिए, ये अपना केबल्स है। ठीक है, तो ये केबल्स में मल्टीपल्स केबल्स रहेंगे, ये देखिए आपके सामने। ठीक है, ये आपका लैन केबल है। नॉर्मल कैमरे में क्या होता है, सिर्फ लैन केबल होते हैं और पावर वाले होते हैं, ये चीज़ें उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जितने भी ऑडियो सपोर्टेड या मेमोरी कार्ड सपोर्टेड वाले कैमरे होते हैं WDR फीचर्स के साथ, ये सारे तीन एक बिल्ट आते हैं, उसमें आपको ये फीचर्स मिलेगा। ठीक है, अब हम करते क्या है कि इस कैमरे को ऑन करने के लिए, जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं POE या फिर आप सेपरेट पावर से भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने इसको POE से अटैच कर दिया है। ठीक है, अब बचा हमारा ये पावर। अगर POE आपके पास स्विचेज नहीं है तो पावर आप दे सकते हैं सेपरेट, तब भी ये काम करेगा। ये आपका ऑडियो इन का ऑप्शन है। ठीक है, ये माइक सपोर्ट ऑडियो माइक आपका सपोर्टेड है आपका। ठीक है, तो आपको ये माइक का पोर्ट इसी पे देना पड़ेगा आपको, और पावर आपको सेपरेट देना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका है ऑडियो आउट। ठीक है, ये पीला वाला, तो ये आपका ऑडियो आउट है, इसमें आप स्पीकर लगा सकते हैं, यानी डैट मीन्स टू वे कम्युनिकेशन आप इजीली वे में कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये जो केबल्स आप देख रहे हैं मल्टीपल्स, ये आपके अलार्म के लिए है। ठीक है, इसमें डबल डबल आप अलार्म यूज कर सकते हैं, अलार्म इन भी कर सकते हैं, अलार्म आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखेंगे आप जितने भी केबल्स हैं, ये आपका केबल्स जो है आपका इसमें कलर कोडिंग का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऊपर में जो देखते हैं वो देखिए येलो कलर का है, तो ये आपका अलार्म इन का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद अलार्म आउट लिखा हुआ है जो कि ऑरेंज वाला है। ठीक है, उसके बाद एक आपका इसमें ग्राउंड होगा। सिमिलरली आपका अलार्म इन का दो ऑप्शन दिया हुआ है, दो आपका अलार्म आउट का ऑप्शन दिया हुआ, और एक ग्राउंड आपका ये दो ग्राउंड दिया हुआ, तो टोटल 6 वायर हो गए आपके। तो इस तरीके से आप इसको कैसे यूज़ करना है ये वायर को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इसके लिए आपको रिले वाला एक किट लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली रिले से किट ले लीजिए, या फिर इस तरह का एक PCB आपको मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप खुद इसे बना भी सकते हैं। मैन ये जो किट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किट हम लोगों ने, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया था, और हमने इसको डिज़ाइन करने के बाद इस पर सक्सेसफुली ट्रायल किया है, साथ में टाइमिंग वगैरह टाइमर वगैरह सब हमने लगा रखा था। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपका मैनुअल बनाया हुआ है, हम लोगों ने हाथ से डिज़ाइन किया है इसको बनाया है, ये आपका रेडीमेड बना हुआ है जो हम लोगों ने मार्केट से ख़रीदा है। ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम है, ये सिर्फ ICP काम करता है और ये ऑटो कॉपलर पर काम करता है। द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन दिस टू पीसेस। भी अब हम बात करते हैं इस पर, उस पर भी मैं दिखा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपका इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखेंगे आप ध्यान से, तो ग्राउंड इन 1, इन 1 2, इन 1 3, इन 1 4, डैट मीन्स कि इन 1 ये डिनोट कर रहा है। इसका 4 रिले है। ठीक है, तो 4 रिले आप एक बार में यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल्स आउटपुट के लिए। ठीक है, एक बार में आपको 4 जगह अलर्ट चाहिए, 4 कैमरे पर अलर्ट चाहिए साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए आपको ये सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला है ग्राउंड, डैट इज़ ये पावर के लिए है, और लास्ट में आपका VCC डैट इज़ वोल्टेज इनपुट। इसका जो वोल्टेज इनपुट है वो 5 वोल्ट लेता है। ठीक है, तो आपको 5 वोल्ट का वो आपको इसमें पावर देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी इसको ये केबल दोनों लगा करके, और ये पावर के लिए हमने सेपरेट वायर बना दिया है। ठीक है, इसको मैं किसी भी चीज़ से मैं दे देता हूँ, आपके पास DVR से दे सकते हैं, या फिर आप आपके पास मोबाइल एडाप्टर है वो भी 5 वोल्ट देते हैं, तो उस पर भी आपका काम कर जाता है। ठीक है, अब इसको कनेक्शन कैसे करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि ऑरेंज आउट, क्योंकि जब ये कैमरा रिस्पॉन्स करेगा आपका, ठीक है, रिस्पॉन्स करने के बाद
वो आउटपुट कहाँ देगा, आपको लेना कहाँ पे, स्पीकर पे लेना है, हूटर पे लेना है, बल्ब पे लेना है, ठीक है। तो अभी मैं बल्ब लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने बल्ब लगाया कि अगर कोई मूवमेंट हो तो बल्ब जले, अगर मूवमेंट ना हो तो वो दूसरा वाला बल्ब जलते रहे, ताकि पता लगे कि रेड और ग्रीन दोनों डिफ्रेंशिएट हो, ठीक है। रेड जले डैट मीन्स मोशन हो रहा है, और अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो वो ग्रीन जले, डैट मीन्स ये आपको डिफ्रेंशिएट करके बताएगा। या अगर आप बल्ब ना भी चाहते हैं, सिर्फ एक बल्ब लगाना चाहते हैं कि सिर्फ रेड ही चाहिए मुझे अगर मोशन हो, अदरवाइज़ ये बल्ब नहीं चाहिए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑरेंज वाला है, तो हमने पहले ये आउटपुट वन में लिया है, ठीक है, आउटपुट टू में भी ले सकते हैं, सेम चीज़ें, वायर शेप से चेंज करना पड़ेगा हमें। तो ये आपका आउटपुट वन है, ऑरेंज कलर लिखा हुआ है, ठीक है, और एक ग्रे कलर का है जो ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने दो लिया, एक ऑरेंज और एक ये ग्रे, ठीक है। अब इसको कनेक्शन करना है आपको, ठीक है। तो इसका जो एक आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड वाला क्या करना है आपको, ये देखिए, ये जो मैंने आपको केबल्स दिखाया था, ये बताया था, इसके भी दो हैं, 5 वोल्ट, एक प्लस और एक ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड वाले को हम ग्राउंड से अटैच कर देंगे, या फिर आप सेपरेट चाहते हैं ग्राउंड देने के लिए, तो आप कहीं से भी ग्राउंड दे दीजिए सेपरेट, ठीक है। मतलब इसका जो वोल्ट है जा रहा है 5 वोल्ट, वो ग्राउंड, ये मैं इसको वायर निकाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूज आप भी ना हो, ठीक है। ये मैंने वायर हटा दिया, ये आपका प्लस माइनस, ठीक है। अब ये इसका ग्राउंड है ब्लू वाला, और एक मैंने ग्राउंड इसका ब्लैक, ये तीनों हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। इसे सॉर्टिंग करने से बचाने के लिए हम इसमें टेपिंग कर रहे हैं, ठीक है, मास्किंग टेप से, क्योंकि पेपर का है इजीली ये रिमूव भी हो जाता है, और अच्छे से जो है ऐसे कि इसमें चिपक भी जाता है। ये वायर को आप शॉर्टिंग होने से बचाने के लिए, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सारे पे आप जो है सो कि या तो कवर कर दें पेपर वाले से, और फिर इसको सारे को, ताकि ये शॉर्टिंग ना हो बारिश वर्ष के मौसम में, ठीक है। अब ये बचा आपके पास अलार्म आउट, अलार्म आउट के लिए मैंने एक और वायर लिया, और किस रिले को हमको यूज़ करना है, मैंने रिले को ये यूज़ किया आपका फर्स्ट वाला, ठीक, ये फर्स्ट है, तो मैंने फर्स्ट यूज़ किया इसको। अब ये देखिए मल्टीपल स्पिन है इसमें, ठीक है, तो ये चार और रिले के लिए है, आपको इसमें कोई एक यूज़ कर लेना है, ठीक है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ये लग गए, और ये आपका हो गया अलार्म के लिए, जो कैमरा जो भी सेंस करेगा मोशन पे, तो आपको वो अलर्ट देगा, ठीक है। आप चाहे तो किसी भी तरह का अलर्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन रेडी हो गया है, हमने कैमरे को पीओई से अटैच कर दिया है, ठीक है। अगर आप टूवे लगाना चाहते हैं तो माइक को आप लगा सकते हैं, स्पीकर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास मैंने क्या किया है, रिले का आउटपुट, क्योंकि मैंने इस पे लगाया है, तो रिले के आउटपुट में तीन ऑप्शन होते हैं, रिले के ऑप्शन ऐसा बना हुआ है, तीन ऑप्शन है, तो एक ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्राउंड, दोनों अटैच रहते हैं, ठीक है। जब आप पावर देते हैं तो ये जो पोर्शन है ये हट करके इधर चला जाता है, और ये आपका ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये सर्किट चालू हो जाता है। जब ये पावर हट जाता है, मोशन अगर हुआ तो फिर वापस इस पर आ जाता है, अगर मोशन हुआ तो इस पर चला गया, अगर मोशन नहीं है तो वापस इस पर आ जाता है। तो ये रिले का कमाल होता है ऐसे, ठीक है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ही ऐसा, इस हिसाब से डिज़ाइन ही किया गया है। तो ये है मेन रिले का वर्क। अब हम इसको बल्ब को जलाने के लिए एसी पावर देंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों को पावर दिया है, आपका एसी पावर देना है इसमें, तो दोनों का जो मेन आपका रेड वाला वायर है हमने एक साइड जोड़ा है, और ग्राउंड हमने एक साइड जोड़ा है, और इसमें किया क्या है हमने, एक हमने इसका ग्राउंड दिया है मिडिल्स में, ठीक है, ये वाले ऑप्शन पे, एक का वायर हमने इस पे जोड़ा है, ठीक है, ये आपका निगेटिव हो गया, ठीक है, और पॉजिटिव वाला आपका वायर, एसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये चला गया है बल्ब में,
ये बल्ब दो लगा हुआ है, ये बल्ब वन हो गया, ये बल्ब टू हो गया, दोनों का वायर निकल करके इसको हमने कॉमन कर दिया है और यहाँ लेकर के आ गए हैं, और ये आपका ये प्लग बन गया है, प्लग। ठीक है, ये समझ में आ गया लॉजिक। अब बचा ये वायर और ये वायर, ठीक है। तो अब इसका जो निगेटिव बल है एक बल्ब का, एक बल्ब का हमने इस पे अटैच कर दिया है, ठीक है। तो दो केबल इसका भी कंप्लीट हो गया और एक केबल निकाल करके हमने इस पे अटैच कर दिया गया, तो इस पे भी आपका कंप्लीट हो गया। तो दोनों का, तो सारे का दो दो वायर हो गए आपके। तो इस तरह से हमने इसको कनेक्शन किया है, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि इसको हम पावर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आईपी फाइंडर टूल है, ठीक है। तो ये मॉडल्स आपको दिखा रहा है VA20L3S-VMS, ठीक है। इसका आईपी हमने 25 रखा है। अब इसको ओपन करना है ब्राउजर पे, तो ये जो ई का सिंबल देख रहे हैं डायरेक्टली इस पर कनेक्ट क्लिक करेंगे तो ये ऐसा खुलेगा और ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा आपको नया, ठीक है। जो कैमरे का यूजर नेम पासवर्ड है वो डालेंगे ADMIN, ठीक है, @123। ये कैमरा आपका खुल गया, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। अब ये जब कैमरा खुलेगा तो आपका आपको लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि इसको कैसे करना है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। कुछ वीडियोस आ नहीं रहे थे तो इसलिए मैंने दोबारा से फिर ऑफ ऑन कर करके फिर किया तो आ गया वो। अब करना क्या है आपको कि यहाँ वीडियो पे जाना है, ठीक है। वीडियो पे जो भी आपको सेटिंग्स करना है, .64, .65, जो भी आप अपने हिसाब से सेटिंग्स जो नॉर्मल कैमरे में करते हैं वो करने के बाद, उसके बाद अगर आप ऑडियो लगाए हुए हैं तो ऑडियो वगैरह इनेबल वगैरह कर करके सेव कर दीजिए, काम करेगा आपका। अलार्म के लिए आपको वीडियो डिटेक्शन में जाना है, और जैसे मोशन है, अगर आपको चाहिए कि कोई कैमरा के सामने जब मोशन हो तभी हो, आपका कोई पार्टिकुलर एरिया में हो तभी मेरे पास अलर्ट आए, तो पहले सबसे पहले आपको मोशन पे इनेबल करेंगे। या फिर मान लीजिए कैमरे का वीडियो ही चला गया आपका, तो उसका मेरे पास अलर्ट आना चाहिए हुटर के फॉर्म में या लाइट्स के फॉर्म में, तो आपके काम करेंगे, ठीक है। या फिर कैमरे का किसी ने कैमरा भी चल रहा है, किसी ने कैमरे को घुमा ही दिया, मान लीजिए कि ये कैमरा ऐसा है और हमने कैमरे का मूव भी ऐसे इधर कर दिया, तब तो उधर दिख नहीं रहा है। इस केसेस को बचाने के लिए आप यहाँ पे आप अपना अलार्म लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बस इनेबल करना है, सेटिंग्स करना है, सेव करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मोशन पे, मोशन पे जाएंगे सबसे पहले इसको इनेबल करेंगे और ये आपका एरिया आ जाएगा यहाँ पर। ये पूरे एरिया में जहाँ पे मोशन होगा वो अलर्ट करेगा, आप जिधर चाहते हैं, ठीक है, कि इस एरिया में ना आए, इतना में ही हम अगर मोशन हो मूवमेंट हो, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है आपको, ठीक है, उतना में ही मोशन हो, बाकी एरिया मोशन होगा तो अलर्ट आए, बाकी एरिया में मोशन हो तो अलर्ट ना आए, तो हम इसे हटा देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम इसे सेव कर देंगे, हमने सेव कर दिया, या पूरा में चाहते हैं तो पूरा में छोड़ दीजिए, इसको कोई ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको रिकॉर्ड करना है, तो ये रिकॉर्ड डिले यानी कि जब आप मोशन होगा उससे 10 सेकंड पहले तक का रिकॉर्ड होना शुरू कर देगा, और उससे पहले से भी आपको 10 सेकंड का आराम देना पहले शुरू कर देगा। डिले आउट 10 सेकंड के बाद, डिले आपको 10 सेकंड के बाद या 5 सेकंड जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हमने ये कर दिया 10 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। सेव करना है, सेव कर दिया। ईमेल चाहते हैं तो ईमेल पे भी आपके पास अलर्ट चला जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मैं अलग पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। स्नैपशॉट चाहते हैं ईमेल पे, वो भी चला जाएगा आपका ईमेल पे, ठीक है, वो अलग पार्ट में बना देंगे, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया अभी। अब हम करना क्या है, हमें सेव जब करेंगे तो फिर हम, ये तो आपका मोशन वाला हो गया, अलार्म किस पर देगा ये, इसको भी हम अलार्म इनेबल कर देंगे, क्योंकि हम रिले पे कर रहे हैं तो रिले पे कर देंगे, ठीक है।
इसमें हम दो रिले का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अलार्म वन और अलार्म टू, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया हुआ था, अलार्म वन अलार्म टू। उसके बाद रिकॉर्ड कर दिया, डिले कर दिया। सेंसर टाइप अभी हम नॉर्मली ओपन रखेंगे, जब सर्किट जब क्लोज होगा तो मोशन देगा, ठीक है। आप सेंसर पर डिपेंड कर सकते हैं कि नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज रखना चाहते हैं, डैट्स डिपेंड। हमने नॉर्मली ओपन रखा है, इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लाइट पर। अभी आप देख रहे हैं ये सिंगल लाइट्स है, ये डबल आराम वाले हैं, ठीक है। ये जल रहा है, नहीं जल रहा है, और एक दूसरा कंटिन्यू चल रहा है। अब हम अगर हम मोशन करेंगे, ये देखिए, ये अभी मैंने क्या जगाया है आपका, ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी कोई मोशन नहीं हो रहा है तो आपका ये ग्रीन लाइट्स जल रही है। अगर मोशन हो तो ये लाइट्स जलना चाहिए, ठीक है। अब एक मिनट मैं आपको मोशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। नहीं जल रहा है, ठीक है। पर चेक कर लेते हैं कि क्या एहसूस आ रहा है इसमें। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं नहीं, ये केबल्स में ऑटो कपलर को मैंने पावर देना भूल गया था, ठीक है। मैंने इसे पावर दिया, ठीक है। और अब हम मोशन करते हैं कैमरे के सामने, ठीक है। ये हमने इतना एरिया डिसाइड कर रखा था, इतना में ही। तो अब हम देखते हैं कि ये कैमरे कहाँ से जाते हैं। ये मेरा हाथ गया यहाँ तक, और ये देखिए जैसे ही गया, ये साइड देख रहे हैं स्क्रीन पे ऊपर, तो उसके बाद ये रेड आपका हो गया। जैसे ही ये 10 सेकंड के बाद, ठीक है, अभी मैंने जो रीजन डिज़ाइन किया था उस पर, अब जैसे ही ये 10 सेकंड के बाद होगा तो वापस बल्ब जो है नॉर्मल मोड में आपका शिफ्ट हो जाएगा, वो देखिए, ठीक है। अब ये आप चाहते हैं कि इस साइड हटा दें, सिर्फ बीच में ही हो या कॉर्नर पे ही हो, ये देखिए। तो ये आपका मोशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ भी आपका इसका बन रहा है। सेंसिटिविटी कितना आपको बढ़ाना है घटाना है उस हिसाब से आप, मान लीजिए कि इसको सेंसिटिविटी आपको 30% करना है, 40%, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड कितना लेना है आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, कि कितना एक्टिविटी हो उसके बाद ही मुझे अलर्ट मिले। तो थ्रेशोल्ड बढ़ाने के बाद ही आपका काम ये करेगा आपका, ठीक है। या थोड़ा सा भी एक्टिविटी हो तो मुझे मिल जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, मैं दोबारा कर लेता हूँ, ये देखिए जैसे मेरा हाथ आया, आप देख रहे हैं इस पर स्क्रीन पे, लेकिन नॉर्मली आपको स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ऐसा दिखेगा नहीं है, ये आपको नॉर्मल ऐसा स्क्रीन दिखेगा। तो इस तरह से ये कैमरे काम करते हैं, वो मैं आपको बता रहा था। अब आपको एक लाइट हटाना है, आपको इसकी आपके वायरिंग से हटा दीजिए, बाकी ये चाहिए तो ये। आपको हूटर कैसे काम करेगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जो मैंने बल्ब लगाया है उसके जगह पर आप हूटर लगाएंगे। पावर आपको हूटर को सेपरेट देना है जैसे मैंने दिया है। तो ये था आपका हूटर पे, ठीक है, और ये था अलार्म का सेटिंग्स आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि कैसे आप अलार्म को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है, आप मार्केट में ये डिवाइसेज जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।